हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज भाई राजू से, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और अपना टेस्ट देकर कल आए हैं बेगूसराय में। भाई के साथ कैसा क्या हुआ, क्या करवा रहे हैं, हम सारी जानकारी लेते हैं भाई राजू से। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आए पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भाई राजू से। परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राजू कुमार है और मैं वेस्ट चंपारण पटना से हूँ। हाँ, जो बिहार बिहार में है। अच्छा। हाँ, और मेरा सीआई सब का फिजिकल टेस्ट बरौनी बेगूसराय में जो पड़ता है। हाँ, वहीं पे था। अच्छा जी जी। तो आप वहाँ पे गए तो आपके साथ कैसे एंट्री हुई, बिल्कुल विस्तार पूर्वक। सुबह में हम लोग सर स्टेशन से, सर सुबह में मतलब वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है सर, वहाँ पे हम लोग 6 बजे सुबह में जग गए थे। हाँ, सर फ्रेश होकर के निकले हम लोग बरौनी मतलब कैंप है वहाँ पे। हाँ, 6:30 से एंट्री मतलब बच्चे तो लाइन लगे हुए थे बहुत पहले से ही, आधा घंटा पहले से भी लाइन लग चुके थे। अच्छा। हाँ, उस क्लास से हम जो पाएंगे वहाँ पर 6:30 के बाद 6:30 के बाद वो लोग एंट्री करा लिए लास्ट 7 बजे तक। 7 बजे सर कोई उससे ज्यादा फालतू 1 मिनट भी लेट करेगा तो एंट्री नहीं होगा। आप तो यही कहेंगे सबसे पहले आप लाइन लग जाओ वहाँ पे जाकर, पहले जितना पहले आप गेट के पास रहोगे वही आपके लिए बेटर रहेगा। हाँ, पहले ही लग जाओ तो ही ठीक है ना। जी 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 जी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वो लोग जो गेट के अंदर चला गया उसके लिए एक्सेप्ट है, जो गेट के बाहर है उसके लिए एक्सेप्ट, यानी हटा दे रहे हैं, बोले बच्चे तुम जाओ ऐसे बोल के भेज दे रहे हैं। हाँ सही है। उसके बाद से सर वो एडमिट कार्ड जो मिला है, जो मतलब साइट से जो डाउनलोड किए हैं वो एडमिट कार्ड रहना चाहिए। उसके अलावा उसमें एक बार कोड आता है सर एडमिट कार्ड पे। हाँ, वो सर बार कोड स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से वो आईडी चेक कर रहे हैं, कोई भी आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी हो एक चलेगा। ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल होनी चाहिए भाई। फोटो उसमें लगाना चाहिए। हाँ हाँ। और जो फोटो आप चिपकाए हुए हैं वो हाल ही का फोटो, मतलब जो फॉर्म फिलअप किया उस टाइम का हो या मतलब 1-2 महीना पहले का फोटो खींचा हुआ हो, करेंट फोटो चाहिए। हाँ, मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने नहीं होने चाहिए, वो मैच कर रहे हैं। उसके बाद से वो लोग आगे भेज रहे हैं, आगे हम लोग गए तो आगे जाने के बाद उन्होंने एक काउंटर लगा हुआ तो वहाँ पे बुलाए, बोले फॉर्म ले लो, एक फॉर्म दिए थे। अच्छा। बोले कि जब जब ऑर्डर होगा तो आप उसको फिलअप कर देना। हाँ, वो फॉर्म दे दिए। उसके बाद से हम लोग को ले गया हाइट पे। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम लोग की हाइट हुई तो हाइट मतलब 1.70 से कम नहीं, 1.71 भी ले रहे हैं, एक मतलब 171 करके भी हमको लग रहा है कि 1.70 तो मेरा हाइट है ही, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमको री हाइट में छाट दिए थे लोग। अच्छा। मतलब 152 या 153 बच्चे लगभग थे। हाँ। तो 40 बच्चे को उन्होंने री हाइट में छाट दिया था, इसमें मैं भी था। फिर उन्होंने री हाइट लिया तो उसके बाद से री हाइट में कितने को क्वालिफाई कर दिया, बोला कि चलो तुम लोग के लिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा। उसके बाद से सर रनिंग हो गया। जब रनिंग हो गया तो वहां से सर 800 मीटर का ट्रैक है सर। 800 का सड़क पे है कि मिट्टी? सड़क पे है सर, सड़क पे। सड़क पे? हाँ, 800 मीटर वहां से सर जब एंट्री कर दी, उसके बाद रनिंग हुआ हम लोग। बस एक बगीचा जो होता है ना सर, फील्ड मतलब कंपाउंड जो होता है, बहुत बड़ा कंपाउंड वहाँ पे हम लोग का। हाँ, उसी के अंदर सब कुछ कर रहे थे। वहां से बाहर ले गए और बोले यहाँ पे रनिंग होगा और वहां से वो लोग टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद सर वो मतलब एक जो मतलब प्रूफ साथ में लेकर दौड़ना है, वहां से एक टोकन लेके आना है। आगे फौजी साहब सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ। तो वहाँ पे हम लोग 800 मीटर से आगे गए, वहां से एक ट्रैक मतलब टोकन लिए, और टोकन सर खोना नहीं चाहिए रास्ते में। हाँ, प्रूफ है वो आपका, सही है वो। अगर आप रास्ते में गिरा देते हो चाहे कुछ भी हो जाता है तो सब आपका वही पे रिजेक्ट। हाँ 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 हाँ। उसके बाद से हम लोग वहाँ से डायरेक्ट कैंप पे आए। हाँ। मतलब मैक्सिमम हमको लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे निकल जा रहे थे, क्योंकि 6:30 बहुत लंबा टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग आर्मी में पहले गए थे। हाँ। तो 5 मिनट में हम लोग पार कर रहे थे तो 6:30 बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ जी, तो सही है, 6:30 बहुत अच्छा टाइम देते। हाँ, टाइम में मतलब जो सर मतलब जो मतलब जिससे निकलने वाला लगभग नहीं था वो भी पास कर रहा था, लेकिन जो सर बिल्कुल नहीं था वो तो नहीं दौड़ पा रहा था, ठीक है। हाँ, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है कुछ नहीं थी। हाँ, वो तो सही है। उसके बाद से जब हो गया उसके बाद फिर हम लोग को ले गए हाइट और सर क्या बोलते हैं हाइट और चेस्ट बार पे। हाँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर हाइट लिया तो हाइट में तो मैं पास हो गया। उसके बाद से जो चेस्ट की उन्होंने हाँ। चेस्ट में सर वो बहुत दाब रहे हैं, ऐसे जो होता है ना जो ऊपर का चेस्ट होता है। हाँ। वहां पे कस के दाब रहे हैं, बोल रहे फुलाओ। फुलाने के बाद 85 मतलब 5 cm का डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, 5 का फुलाने के बाद। और हाँ सही है। वो तो मेरा तो मतलब ऐसे हो जा रहा था, जब फुलाव में मेरा नहीं पूग रहा था वो लोग उतार दे रहे थे, ऐसे फुल रहा था ना डाउन। अब कोई भी सीना फुलाता है तो डाउन करके ही फुलाता है।
हाँ तो ऐसे ऐसे करके कस के किया, हाँ बोलो बोला नहीं 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 तुम्हारा कम हो रहा, तुम साइड हटो, बस एक सेकेंड में साइड हटो। अच्छा राजू जी बताइए, आपने घर पे चेक किया था, आपका घर पे बिल्कुल फिक्स आ रहा था? हाँ घर पे सर, आर्मी में क्वालिफाइड है सर सब जॉब के लिए, बस मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था सर, बाकी वहाँ पे लोग रिजेक्ट कर दिए, बाकी सब मेरा क्लियर था, दो दो साल में जाकर मेरिट लिस्ट मेरा नहीं बना है, बाकी सब मैं तो वही क्लियर कर दिया है। तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं क्यों? हाँ जी सर, उसमें दबाव है, और यही बात बोल रहे हैं जितने लड़के को छाटे थे ना, हाँ बाद में उन्होंने कहा भी था कि देखिए ये 914 वो सीट है और इसी में हमको सबको एडजस्ट करना है, जो बेटर से बेटर है उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाकी के लिए नहीं। नहीं उनका कहने का मतलब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आरपीएफ वालों के साथ क्या हुआ था, उन्होंने भर लिया कचरा जैसा, हजारों भर लिए और फिर लास्ट मोमेंट में जाके अलग करते, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। वो बात सही, आने जाने खाने का सब कुछ खर्चा हजारों लोग मिटा देते हैं, 10,000, फिर आखिर में अलग हो तो अच्छा नहीं लगता। सही है, मेरा तो आर्मी में सर जो रनिंग होता है ना सर, आर्मी में तो बहुत हार्डली होता है, वो तो 4 बजे 3 बजे भोर से लगता है दौड़ाने। हाँ जी सही दो है, दो साल सर मेरा दो दो साल क्लियर हो चुका है, मेरिट लिस्ट नहीं बना है, बट हाँ आर्मी जब तुम्हारा क्वालिफाई है तो तुम रनिंग आराम से निकालते हो। जी तो वो तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था, और सीना में था सर, मुझे सीना में वो डॉट क्वालिफाई कर दिया वहाँ पे। अच्छा। बोले कि बेटा तुम लोग जाओ नेक्स्ट बार ट्राई करना। हाँ हाँ बस यही है, डॉक्यूमेंट्स में सर, डॉक्यूमेंट्स तो सर आप ही के साइड से मैं देख के पूरा क्लियर कर चुका, पहले डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मैं पास आता, अगर वो टेस्ट में मुझे पास कर देते तो मैं गारंटी होके आता हूँ कि मेरा क्वालिफाई कुक हो जाता, क्योंकि मैं खाना बनाने का बहुत एक्सपीरियंस रखा हूँ सर। अच्छा हाँ तो राजू जी बताइए, दौड़ में कोई दिक्कत तो नहीं जाती वहाँ पे किसी बच्चे को? दिक्कत नहीं है सर, बस एक बात मैं बोलूंगा कि जो भी जाए, जो शूज पहनते हैं वो हल्का शूज जूता लेकर जाए, क्योंकि रनिंग में हल्का जूता ही चाहिए, और जूता जिसको पहनना है पहने, नहीं पहनना मत पहने, लेकिन थोड़ा बहुत अगर रोड पे दौड़ाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे छोटा छोटा कण होता है ना जो पैर में चुभने का डर रहता है सर। हाँ हाँ सही बात है, शूज तो पहनना चाहिए। हाँ जितना हल्का जूता हो पहन सकते हैं अच्छा रहेगा, भारी जूता ना पहने तो रनिंग नहीं हो पाएगा। अच्छा तुम उस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे कल? 152 या 153 मैक्सिमम थे, काउंट तो नहीं किए, लगभग लगभग उतने पहुंचे हुए थे, और रनिंग करीबन 90% स्टूडेंट्स की निकल गई थी। 40 तो हाँ लगभग लगभग मतलब 5-6 आदमी छटे हुए थे, बाकी सब पास कर गए थे, जो रनिंग करके नहीं गया था वो क्या पास करेगा। सही बात है, लेकिन सबसे ज्यादा छांटे होने चेस्ट और हाइट में है ना? हाइट बस वही, और जो हाइट हाँ, और एक बात वो भी बोले थे कि मतलब कहीं कहीं हम आपके न्यूज से सुने हुए थे कि 1 महीने पहले का कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। हाँ लेकिन ये लोग एक्सेप्ट कर लिए थे। हाँ हाँ ये लोग एक्सेप्ट कर लिए थे, बाकी बोले कि लास्ट में बोले कि कुक में सब कोई छट जाएगा, बाकी 5-7 जो टॉप 10 में जो होगा उसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सबको रिजेक्ट करना ही है। अच्छा राजू जी बताइए, आप वहाँ पे जैसे आप तो क्वालिफाई नहीं हुए, कोई साथ वाला जिसने टेस्ट क्वालिफाई किया हो टेट टेस्ट, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत? सर वहाँ पे तो मतलब जो नॉट क्वालिफाई हो रहा था ना उसे 1 घंटा बैठा कर उसको मतलब बोले तुम लोग बाहर जाओ, ठीक है ना, और जो वहाँ पे क्वालिफाई कर गया, बट उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो, मतलब हमको लग रहा है कल शाम को 6 बजे के बाद ही निकाल रहे थे, हमको 2 बजे निकाले, सुबह 6 बजे का एंट्री किए। अच्छा और जिसका क्वालिफाई हो रहा है उसको शाम के 6 तक निकाल रहा है? हाँ 6:30 में 6:07 में 7 भी बज जा रहा है, उन लोगों का पेपर वेपर सब तैयार करने में, फोटोग्राफी वगैरह सब हो रहा है अंदर। अच्छा आपकी जानकारी के मुताबिक वहाँ पे क्या क्या करवा रहे हैं टेस्ट में, टेट टेस्ट में? टेट टेस्ट में सर सबसे पहले आपको रोटी तो मस्ट ही बनाना है, उसमें कितनी दो रोटी बनाना है। अच्छा उसमें आपको 2 रोटी के अनुसार जो आटा देंगे वो आपके अनुसार मतलब आधा केजी से भी कम थोड़ा रहेगा, 400 ग्राम या मैंने मैक्सिमम उतना, उसमें आपको जो अलग सा लगाने के लिए रहता है उसमें छाटना भी है, और एक हाथ से आपको वो जो आटा को गूंदना है, एक हाथ से गूंदना है ना? हाँ एक हाथ से गूंदना है, और उसके बाद से रोटी जो होता है वो हाँ। कम से कम 3 से 4 बार में फूलनी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और विदाउट जले हुए, जितनी सॉफ्ट रहेगी उतना अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ जी जी, और उसके बाद चॉइस पूछ रहे हैं वो लोग कि तुम क्या चीज बना सकते हो। अच्छा अपनी चॉइस के अनुसार बनाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, वो लोग कुछ ऑप्शन नहीं रहे हैं कि तुम क्या चीज बनाते हो, जैसे 5-4 मतलब 4-5 चिकन बना लिया, फिश बना लिया, गोभी की सब्जी या कुछ भी सब्जी बनाते हो, उसमें से कोई ऑप्शन एक दे देंगे तुम ये चीज बनाओ। अच्छा जैसे कोई कोई स्टूडेंट पूछते सर चिकन नहीं बनता तो क्या चिकन जरूरी है बनाना? वही इसीलिए ना वो चॉइस पूछ रहे हैं पहले कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अच्छा हाँ वो चॉइस पूछ के उसमें से एक चीज बनवा रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि तुम चलो तुम ये बना दो।
हाँ सही है, ठीक कर रहे हैं वो। ऐसे कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं कि सर बोल रहे चल तू चिकन बनाओ तो चिकन बनाओ, ऐसे नहीं। वो लोग चार पांच चॉइस दे रहे हैं, मतलब बच्चे से पूछ रहे हैं, बच्चे का जो चॉइस में से एक को सिलेक्ट कर दे रहे हैं, चलो तुम इसे बना के दिखाओ। सर उसमें कोई चेक करने के लिए नहीं जा रहा है, सब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, अच्छा हाँ अंदर अंदर सबका अलग अलग है, हाँ बैच बना रहे हैं, चार पांच बंदे का बैच बना रहे हैं, और हाँ बैच के अंदर में सब कैमरा लगा हुआ है और सब आगे से सब ऑफिसर देख रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ इसमें से क्या होता है ना सर कि आगे तो ऑफिसर देख रहे हैं, बच्चे समझते हैं कि ऑफिसर को चेक करने आता नहीं है, हाँ ज्यादा टाइम ले लेता है और लापरवाही करते हैं, इसीलिए उसको वहीं पे नॉन सेलेक्ट कर देता है, वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए पूरा खाना बनाने में? टाइम का सर मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मतलब कुछ ना कुछ टाइम तो लगना, क्योंकि उतना क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना सर, क्योंकि आगे तक तो मैं नहीं गया, बच्चों से मैं सुना हूँ, हाँ देखा भी हूँ, लेकिन टाइम सर नहीं बताऊंगा, उसके लिए सॉरी सर टाइम नहीं पूछा, लेकिन टाइम हाँ दे रहे हैं, इतना कन्फर्म है सर टाइम दे रहे हैं, क्योंकि सर मानते हैं चिकन भी बनाना उसमें टाइम लगेगा, हाँ हाँ सही रोटी है। बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा चिकन नहीं दे रहे, 5 या 6 पीस करके ऐसे दे रहे हैं, और चार पाँच उसको छह पीस ऐसे टेस्ट करके। क्यों, टेस्ट कौन करता है, वही ऑफिसर लोग? ऑफिसर लोग सर वहाँ पे जो सीईओ का कोई ऑफिसर में होता है ना सर, हाँ सब वही सब पहले से ही दिख रहे हैं, सब कुछ बैठे हुए, सब बार बार नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे घबरा जाएंगे, इसलिए वो बस सब कुछ देख रहे हैं अलग से, कौन क्या कर रहा है, जो जिसको नजर अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट, तो जिसको हम बस रिजेक्ट, बस यही ऑप्शन है वहाँ पे। अच्छा राजू आप ये बताइए, जैसे बच्चे आखिरकार कितने क्वालिफाई हो पाते हैं पर डे? पर डे सर कम से कम सर 10-12, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा 100-120 में से मतलब 10-12? ट्रेड कुक के लिए मैं बोल रहा हूँ, अदर अदर मतलब नहीं बोलूंगा, कुक के लिए मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10-12। अच्छा हाँ, और 150-60 में 10-12 लड़के निकल रहे हैं, अच्छा तो इसके पास हाँ ज्यादा हाँ एक्सपीरियंस है वही। अच्छा राजू जी बताइए, गलतियां क्या क्या हो जाती हैं वहाँ पे स्टूडेंट से? बच्चे जो है सर सबसे पहले तो हम कहेंगे कि मनोबल साथ में लेकर चले, कोई भी काम दिमाग से करें, दिल से करें, बिल्कुल सक्सेस होंगे, ये तो मैं कंफर्म कहूंगा, ठीक है सर। हाँ, वहाँ पे जो भी है सर बेधड़क, मतलब दिल का जो मैटर है उसको बेधड़क सर के सामने प्रोवाइड करें, वो ऐसे नहीं कि कितने बच्चे डर जाते हैं ऐसे वैसे, कुछ नहीं सर। अच्छा हाँ, उसमें जो ट्रेड टेस्ट होता है सर, उसमें आप अंदर गए, अंदर जा रहे हैं तो अंदर में मतलब बता देंगे चलो तुम इसमें रह जाओ, मतलब 5 बच्चे जो होते हैं ना ग्रुप में, हाँ उन लोग एक रूम में दे दिया, बड़ा हॉल सा है, हाँ इसमें बनाओ तुम उसमें बनाओ, ऐसे चूल्हा वाला सब मतलब मसाला से लेकर सब कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, जिसको जो बनाना है वहाँ बैठ जाओ, कोई चेक करने के लिए नहीं आएगा, कोई टेस्ट भी नहीं करेगा तुम कैसे बनाए, नमक कैसा है, कौन कैसा है, क्यों जी गैस वैस में प्रॉब्लम तो नहीं जाती, वहाँ के जो उपकरण है सब अच्छे है ना? जी जी, मतलब गैस वैस भट्टी वट्टी तो नहीं है बड़ी वाली? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है सर, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा तो राजू जी लास्ट में कुछ बोलना चाहें तो बोल दीजिए, फिर मैं एंड कर रहा हूँ वीडियो, है ना सर। आपके चैनल से तो मैं एक ही कहूंगा कि मुझे बहुत बड़ी मतलब जानकारी मिली हुई है, मैं बहुत दिन से फॉलो भी आपको करता हूँ और देखता भी हूँ, तो मैं आपके अनुसार तो मैं सब कुछ कर ही रहा था, बस मेरी नसीब वहीं तक थी और मैं क्या करूँ। और उसके बाद से मैं यही कहूंगा जो भी बच्चे जा रहे हैं नेक्स्ट क्वालिफाई के लिए, हाँ तो मैं कहूंगा कि आप कुछ सबसे पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ देख लें, और डॉक्यूमेंट फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि जो जनरल वाले हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कोई जरूरत नहीं है, हाँ बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मतलब लगता है CISF में वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों कॉपी, फोटो 4 फोटो मांग रहे हैं, बट उसके 2 ज्यादा और ले लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फोटो में क्या देखे जाए, उसके बाद से टाइम से पहले पहुंच जाए, क्योंकि लंबा लाइन लग जाता है ना, तो मतलब 150-200 बच्चे आ जाते हैं, तो लंबा लाइन लग जाता है, जितने आप आगे रहेंगे उससे उतना पहले एंट्री कर जाएंगे। सही बात है, क्योंकि लाइन तो वहां पे रात में ही लगने लगती होगी 4-5, बस यही बेटर, यही बात मैं बोल रहा हूँ, जितना पहले जाओगे वही बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद सर रनिंग करें तो मैं उनके लिए जितना सॉफ्ट शूज पहन के जाएंगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक जगह पे पिच नहीं है सर, कहीं कहीं ग्राउंड पे भी दौड़ा रहे हैं। हाँ हाँ सही है, तो ग्राउंड वालों के लिए तो खाली पैर दौड़ना अच्छा है, लेकिन पिच के लिए सर वो तो जूता चाहिए उस पे, क्योंकि वो तो कंकड़ रहता है सर, कितना लोग को चूज, कितना लोग तो उससे पीछे हो जा रहा था दौड़ने में। सही बात है, हाँ कंकड़ पत्थर की वजह से हो जाते हैं। लेकिन टाइमिंग का सर तो है तो 6:30 पूरा फुल टाइम दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टाइम मिल रहा है, आप आ जाओ ऐसे से बोल रहे हैं बेटा आ जाओ चलो 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 दौड़ो, ऐसे करके बुला रहे हैं वो लोग कि चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाँ उनकी कोशिश तो है क्वालिफाई कराने की, लेकिन जो है कि वो लोग सर बहुत नॉर्मल ले रहे हैं, जो डर गया सर वही पीछे हो जा रहा है, जो मीटर होकर जा रहा है मतलब अच्छा से काम कर रहा है और सब कानून को फॉलो कर रहा है वो जरूर पास हो रहा है, ये तो मैं बोलूंगा।
अच्छा चलिए तो ठीक है राजू भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों के जी लिए, थैंक यू सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ तो फ्रेंड्स ये तो थे राजू भाई जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कहीं आप भी चाहते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो आप अपना नंबर दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, है ना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, यदि आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक पूछें। ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।